प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 52 करोड़ की लागत से निर्मित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस सभागार में 1076 लोगों तथा छोटे प्रेक्षागृह में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही यहां अत्याधुनिक मीडिया सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ पार्किंग, कैंटीन, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित संस्कृति विभाग के पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर में सांस्कृतिक कर्मियों, कलाकारों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए प्रेक्षागृह की मांग लगातार होती रही और वर्ष 1998 से 2017 तक सांसद के रूप में मुझे भी यह मांग सरकार से करनी पड़ती रही। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद कलाकारों की मांग के अनुरूप गोरखपुर पूर्वांचल वासियों के लिए अत्याधुनिक प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रेक्षागृह सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दृष्टिगत यहां उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि प्रेक्षागृह जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है वह वर्ष 2017 से पूर्व असंभव था, लेकिन प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात मुख्यमंत्री ने कलाकारों की मांग को साकार किया। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखते हुए कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह, शीतल पांडे, संगीता यादव, प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति मुकेश मेश्राम, एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी राजेश डी मोडक, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य रंगकर्मी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, कलाकार जन, गोरखपुर की कला प्रिय जनता की ओर से माया
महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद मेरे पासवान जी, माननीय विधायक गोरखपुर शहर श्री राघव मोहनदास अग्रवाल जी, प्रमुख सचिव सभी का स्वागत कर रहे हैं। और मैं स्वागत के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए गोरखपुर की जनता की ओर से, सभी संस्कृति कर्मियों की ओर से, सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सम्मानीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सम्मानित मंच, गोरखपुर के ढेर सारे कलाकर्मी बंधु जो इस विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सम्मानित नागरिक बंधुओं, महिलाओं, बहनों, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू युवावाहिनी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आज से ठीक 104 साल पहले 1917 में आज के ही दिन 21 मार्च को युग पुरुष बाबा गंभीरनाथ जी के समाधि में लीन हुए थे। और किसी शिष्य के लिए, किसी परंपरा के शिष्य के लिए इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती कि आज ठीक 21 मार्च को उनके हमारे बीच में न रहने के 104 साल बाद उस परंपरा के सिद्ध योगी आदित्यनाथ उनकी स्मृति में इस भव्य परीक्षा गृह और सभागार का लोकार्पण कर रहे हैं। गोरखपुर के नागरिकों की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, बहुत दिनों से हम लोग परीक्षा गृह की लड़ाई लड़ रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। जब आप सांसद थे, आपने सड़कों पर आंदोलन किया था, लोकसभा से लेकर के और आपके निर्देश पर हम लोगों ने विधानसभा में लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन जो काम जब होना होता है और जिसके हाथ से होना होता है, वो काम तभी होता है और उसी के हाथ से होता है। वो विवादित स्थल मुकदमों में फंसा रहा, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अगर वो मुकदमों में था तो बेहतर था। आज इस भव्य सभा कक्ष में हम लोग इकट्ठे हैं। अगर हमारी सरकार न रही होती, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न रहे होते, तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमें इतना बड़ा भव्य सभागार और परीक्षा गृह इस पूरे पूर्वांचल को, मैं इसे सिर्फ गोरखपुर की संपत्ति नहीं कहूंगा, इस पूरे पूर्वांचल को कदाचित मिल ही ना पाया होता। गीता में एक श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवत चैन मन्यः श्रणोति श्रुत्वा केन मातुरीदन कश्चन। कुछ लोग आश्चर्य के साथ देख रहे हैं इस परीक्षा गृह को, कुछ लोग आश्चर्य के साथ बता रहे हैं इस परीक्षा गृह के बारे में, कुछ लोग सुन रहे होंगे, लेकिन देखने, बताने और सुनने वाला तीनों ये समझ नहीं पाएंगे कि इतना भव्य सभागार योगी आदित्यनाथ हम गोरखपुर के नागरिकों को लोकार्पित कर रहे हैं। समस्त कलाकार, ये समस्त कलाकार बंधु सुना हो, समस्त कलाकार बंधु जितना भी हमारे बिरादरी बाड़े में जा, हर विधा के उस समस्त हजारों हजारों जो गोरखपुर पूर्वांचल में कलाकार बिरादरी बा, उनकी ओर से हमारे पूज्य महाराज जी के गोड़ छू। सांसद राज्यसभा श्री जयप्रकाश निषाद जी के धन्यवाद दे, उखरे पहले विशिष्ट अतिथि आय वाणन कृषि मंत्री शिक्षा मंत्री कृषि में सूर्य प्रताप शाही जी के नमस्कार करब। सांसद बासगांव कमलेश पासवान जी
स्थानीय विधायक गोरखपुर शहर श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन मुकेश मेश्राम जी, आयुक्त गोरखपुर मंडल जयन अलीगढ़ जी, विधायक कैबीरगंज के श्री मानी फतेह बहादुर जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराई श्री मध्य महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक चौरी चौरा श्रीमती संगीता यादव जी, माननीय विधायक सजनवा श्री शीतल पांडे जी, माननीय विधायक मांसगांव विमलेश पासवान जी, माननीय खजनी विधायक संत प्रसाद जी, पुष्पदत्त जैन जी और मंचासीन सभी लोगों के जो मंच पे बैठल बाड़न, सारे प्रमुख लोगों को मेरा प्रणाम। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये। 1975 से महाराज जी कलाकार अपनी पहचान यहाँ खोज रहा था। 1975 से रंगकर्मी लोग अपना एक स्थान खोज रहे थे। देखिए, कला ही मेरा जीवन रहा है। कला माँ भगवती की कृपा रहती है, कलाकार में माँ सरस्वती की कृपा होती है, पूरा देश उसको फिर प्यार करता है। आत्मसात होता है कलाकार, एक जीवन में कई रूप जीता है, बड़ा भावुक भी होता है, तभी वो सब सारे रूप में आ सकता है। और राम भी बनता है, रावण भी बनता है, सीता भी बनता है। तो कलाकार के अनगिनत रूप होते हैं और कला एक ऐसा माध्यम है इस देश में, भारत में, विश्व में, जहाँ पे हमारे सुख दुख को हरता है कलाकार। जब आप दुखी रहते हो तो कोई सिनेमा लगा देते हो, हमको देखने लगते हो, हमारे गाने सुनने लगते हो। खुश होते हो तो परिवार के साथ चला हो रवि भैया का पिक्चर देखा जाए, चला हो ये देखा जाए। अनगिनत आपने मुझे 650 फिल्मों में आज तक देखा, मेरे बहुत रूप देखे, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। मुझे महाराज जी का आशीर्वाद है, आज हम आप लोगों के समक्ष दो शब्द बोले का हमारा कुवत है कि हमके पूज्य महाराज जी के गद्दी पे अपन खड़ा हम रखने का मौका मिले। और कबो सोचे ले नहीं है कि प्रेक्षा गृह बनी कलाकार बंधु लोगों के, कलाकार यहाँ पर परफॉर्म करेगा, कलाकार जिएगा। ये भव्य नुमा एयर कंडीशन ही जब कर्टन खुली, क्योंकि मैं रंगमंच का कलाकार हूँ, मैं जानता हूँ रंगमंच के पावर को। मैं जानता हूं कि जब मैं यहां पर बोलूंगा सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू। और जब एक तांडव हो यार, और जब एक तांडव हो यार, तो सोचिए मेरा गोरखपुर कितना मदमस्त हो जाएगा, उनके दुख को एक कलाकार इसी मंच से हर के चला जाएगा। यही से कलाकार अनगिनत नाम करेंगे, देश में जाएंगे, मेरे रंगकर्मी और अद्भुत कलाकार है महाराज जी यहां पर। चौरी चौरा का नाटक भैरल महाराज जी, विदेशिया नाटक, अरे वाह क्या परफॉर्मर थे सब यहां। पहली बार के महाराज जी यहां आजकल शूटिंग होने लगा आपकी कृपा से। इस वक्त हम महाराज जी आपसे बतियावत है, 80 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। 80 फिल्मों की क्षेत्र को 1 करोड़ रुपया मिनिमम मिलता है। अगर हिंदी फिल्म की शूटिंग होती तो 10 से 12 करोड़ रुपया प्रोड्यूसर उस क्षेत्र में गिरा के जाता है। होटल के माध्यम से डीजल डीजल पेट्रोल, कलाकार लोकल लोगों को खाना पीना अनाज कुल वहरा से खरीदा, कुल सामान वहरा से खरीदी। आज आप लोग यहाँ शूटिंग देख रहे हो, यहीं पे आप देख रहे हो निरहुआ को नाचते हो, वहीं देख रहे हो आप पवन सिंह को नाचते हो, वहीं देख रहे हो रवि किशन को कुसमी जंगल में डायलॉग बोलते हुए। सोच ले रहे तो ये भव्य मौका है। ये मंच के देखिए, ये पूजा जाता है ये जगह। हम जब कलाकार आते हैं ना तो ऐसे ये जगह के समझ लिया बाबू, जितने भी सुन रहे हो मेरे, जितना भी मेरा बिरादरी है, इस जगह को ये पवित्र, इसको आप लोग साधना, यहाँ से कुछ बन के जाना। तब पूज्य महाराज जी के भी आनंद आई कि आए और अपने जीवित जीवन को आप लोग मोक्ष की तरफ ले जाओगे। जब एक कलाकार बनता है, क्योंकि कलाकार अमर होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, कलाकार सिर्फ देह छोड़ता है। तो जान लिया, मंच में रंगमंच में छा जाना है। इस जगह को 1-1 करोड़ रुपया लगा है, इसको साध लो। पूज्य महाराज जी ने आदेश भी दिया कि एक ज्यादा फीस रंग कर्मी लोगों के ना लगे।
जी तक बात पहुंचन गई तो बोले नहीं रंगकर्मियों के लिए नहीं, होकर मापदंड महाराज जी तय करी है। तो वो भी आप लोग अपने जो माथे पे आप लोग के शिकन दिख रहा है कि बहुत पैसा लगी हो यार नाटक करे में, वो भी महाराज जी होकर भी ऑप्शन निकाला तड़न, वो खबर पहुंच गई है। बस यही कहूंगा मेरे जितने कलाकार हैं हर विधा के संगीत में आए हैं, म्यूजिशियन हैं, ये हैं, आप लोग ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा एक नया रोजगार है कला जीवन। कला क्षेत्र से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है, परिवार चलाया जा सकता है, नाम किया जा सकता है। तो कला को एक फिल्म इंडस्ट्री की तरह लीजिएगा, ये इंडस्ट्री है। और महाराज जी जैसे फिल्म सिटी अब यहाँ बना रहे हैं, जैसे गोरखपुर में अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की स्थापना होती जा रही है, आप लोग देख रहे हैं पूरा पूर्वांचल आप फिल्म सिटी, अक्षय कुमार वहाँ अयोध्या में राम सेतु की शूटिंग कर रहे हैं, परसों महाराज जी का आशीर्वाद लेके गए अक्षय कुमार। तो ये आप लोग देखिए कला में आप लोग तैयार रखिए। मैंने तपस्या की तब किया, कई साल रंगमंच किया, अपने आप को साधा, तब जाके हमको देश ने प्यार किया, तब आप लोग मुझे एज एन एक्टर प्यार करते। तो बहुत तपस्या करनी पड़ती, बहुत मेहनत करना, रियाज करना, इसको सीरियसली लेना, इसको मजाक नहीं लेना। अपने जीवन में एक नया रोजगार आया है, इतना भव्य प्रेक्षागृह मुक्ता काशी वहां मिल गया आपको, ये पूज्य महाराज जी के आज हम चाहब एक हमारे महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली हो। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र के आज के श्लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसदगण श्री रविकिशन शुक्ला जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री संत प्रसाद जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, मंडलायुक्त गोरखपुर श्री जयंत नार्लिकर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू आवाहनी के सभी कार्यकर्तागण, सभी संस्कृति कर्मी और गोरखपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर में यहाँ के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए एक मंच मिले, पिछले चार दशक से ये मांग यहाँ के कलाकारों के द्वारा, संस्कृति कर्मियों के द्वारा, और गोरखपुर में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण संगोष्ठी या आयोजन हो सके, इसकी मांग लगातार होती थी। गोरखपुर के एक सांसद के रूप में 1998 से लेकर के 2017 तक इस मांग का सामना मुझे भी करना पड़ता था, और फिर उसे संसद में उचित मंच पर उठाने का मैं प्रयास भी करता था। आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को इस रामगढ़ ताल के तट पर अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र
आज मुझे समर्पित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। इस केंद्र को हम लोगों ने समर्पित किया है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरखपुर के ही बहुत सिद्ध योगी बाबा गंभीरनाथ जी को। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वह अपने समय के बहुत सिद्ध योगी रहे हैं। उन्होंने अपनी साधना का एक लंबा समय अपनी कर्म भूमि के रूप में, अपनी साधना भूमि के रूप में, अपनी गुरु भूमि के रूप में गोरखपुर को चुना है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी साधना का एक लंबा समय गया में भी व्यतीत किया था। कपिलधारा पहाड़ी गया में कहते हैं कि जब बाबा गंभीरनाथ जी अपनी वीणा बजाते थे तो वहां के जितने भी सिद्ध थे, जितने भी अन्य वहां पे साधक थे और जितने भी उस क्षेत्र के अन्य जंगल के पशु पक्षियां थे, रात्रि में उनके इर्द गिर्द आकर के उनकी वीणा को सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे और उसमें लीन हो जाते थे। और इसीलिए एक सिद्ध योगी और सिद्ध अपनी सिद्धि की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए योगी के साथ ही जिन्होंने कला की साधना को भी महत्व दिया हो उस कालखंड में, उनको समर्पित यह प्रेक्षागृह और यह सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर वासियों को बाबा गंभीरनाथ जी के प्रति सादर नमन है और कृतज्ञता है। इसमें मुख्य रूप से ये मेन ऑडिटोरियम है जिसमें लगभग 1100 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं। खासतौर पर एक मिनी ऑडिटोरियम है जिसमें 250 दर्शकों के लिए अलग से भी एक कार्यक्रम, यहाँ पे रंगाश्रम के कार्यक्रम हर सप्ताह चलते हैं, उनके उन कार्यक्रमों के लिए 250 लोगों के बैठने के लिए एक अलग से वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। 80 सीट का एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पर है जो कॉन्फ्रेंस रूम के रूप में है और एक 46 सीटर कॉन्फ्रेंस हॉल अतिरिक्त है। यानी ये सुविधा इस योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र के साथ जोड़ करके हम लोग यहाँ गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, यहाँ पर आयोजित होने वाले किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी के लिए और यहाँ पर चलने वाले कला प्रेमियों के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दृष्टि यहाँ पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार आपको सुविधा उपलब्ध करा सकती है, उस सुविधा को हम बेहतर तरीके से बना करके रख सकें और उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में सजो करके दे सकें, ये जिम्मेदारी भी वर्तमान पीढ़ी की होनी चाहिए। ये कार्य गोरखपुर में पहले भी हो सकता था लेकिन नकारात्मक सोच जब आती है हर कार्य में विघ्न और बाधाएं खड़ी करती है और ये विघ्न बाधा 1985-86 में भी गोरखपुर में एक प्रेक्षागृह के निर्माण के कार्य को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने प्रारंभ किया था, लेकिन वही नकारात्मक ताकतें फिर उसमें विघ्न बाधा खड़ी करके उसको पूरा नहीं होने दी, अधूरा पड़ा है आज भी। एक समय ऐसा भी आया जब वहां पे कुछ लोगों ने उस जमीन पर ही कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था, हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी उस समय। आज वो फिर से प्रदेश सरकार के पक्ष में आ चुका है लेकिन हम लोगों ने बिना किसी इंतजार किए उससे अच्छा लोकेशन देंगे जहां पे पार्किंग की भी सुविधा हो सके, लोग आ जा सके, सुरक्षित माहौल में कार्यक्रम कर सके। इस समय आप देखते होंगे रामगढ़ ताल पर्यटन के साथ साथ महानगर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्पॉट बना है। एक तो पर्याप्त पार्किंग का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, चंपा देवी पार्क में, महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, ये व्यापक सुविधाएं हैं। अभी हम लोग अगले सप्ताह ही गोरखपुर के जू का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने तैयारी तैयार हो जाइए।
के साथ। आखिर ये सुविधाएं मिलनी क्यों नहीं चाहिए? मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन के भी केंद्र बिंदु बनना चाहिए। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के यह एक अभियान प्रारंभ हुआ। हमारा दायित्व बनता है कि हम विकास के कार्यों के साथ एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़े। अगर प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक भाव के साथ विकास के कार्यों को नहीं लिया होता तो क्या गोरखपुर का बंद कारखाना फिर से चलने की स्थिति में आता? एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जुलाई तक उसको पूरा करने के बाद वहां पर फिर से गोरखपुर की पहचान के रूप में गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना एक बार फिर से रोजगार का भी और किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सके, इससे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कोई सोचता था गोरखपुर में बिहारी मेडिकल कॉलेज तो जर्जर था ही, और एक समय तो ऐसी भी स्थिति आई थी जैसे पूर्वांचल की चीनी मिले और प्रदेश की चीनी मिलों को पिछली सरकारों ने बंद किया था। यह भी कोशिश की गई थी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी बेच दिया जाए। हम लोगों ने बेचा नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी पुनरुद्धार किया, उसकी सेवाओं को भी अच्छा किया। आज वहां पर भी सुपर स्पेशलिटी का एक विंग बन चुका है और बाल संस्थान भी बनकर के तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वे सेवाएं दें, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की समस्या का ही समाधान निकाल दिया। इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न था कि हमें इस बीमारी से जूझना है, इसका समाधान निकालना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के योगदान से आज इंसेफ्लाइटिस को हम समाप्ति के कगार पर ले जाने में सफल हुए हैं। लेकिन हमें अभी सतर्कता की आवश्यकता है, सावधानी और सतर्कता सदैव बनी रहनी चाहिए। कहते हैं ना, बाढ़ के पानी से, आग से और बीमारी से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, उसको मजाक में भी नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान होगा। लेकिन साथ साथ गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण आज गोरखपुर में एम्स भी बन करके खड़ा हो चुका है। आप जाते होंगे जब एयरपोर्ट की तरफ, देवरिया की तरफ जाते होंगे, कुशीनगर की तरफ जब जाते होंगे, तो आपका सामना सबसे पहले गोरखपुर के विकास के प्रतीक गोरखपुर एम्स से होती है। एम्स हमारे विकास का प्रतीक भी है, देश की सकारात्मक सोच का प्रतीक भी है। पूर्वांचल वासियों को अंतरराष्ट्रीय मानक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का केंद्र बिंदु भी है, और हर प्रकार की सम विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देने वाला केंद्र भी है, और वह आज एम्स के रूप में है। यही रामगढ़ ताल, गोरखपुर की पूरी गंदगी ही आती थी, और अगर किसी को किसी की हत्या करनी होती तो यही मार के फेंकता था, कोई आता भी नहीं था, एक गंदगी का अड्डा भी बना हुआ था। आज आप देख रहे होंगे बोटिंग के साथ जाकर के घूमने के लिए जाते हैं, रवि किशन जी शूटिंग कर रहे हैं, कालीबाड़ी के बाबा जी उनकी फिल्मों का मुहूर्त करते हैं। अगर बाबा उनकी फिल्मों का मुहूर्त ना करें तो फिल्म उनकी सुपरहिट कैसे होगी? वाला विषय है कि मुनाफा हुआ कितने कमाते होंगे। लेकिन ये कार्य धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोच है। पिछली सरकारों की सोच नकारात्मक थी तो ये केंद्र अपराध के अड्डे थे, अराजकता और अव्यवस्था के अड्डे थे। सरकार की सोच सकारात्मक हुई तो वही टूरिस्ट का एक बेहतर स्पॉट बन गया है। लोग परिवार के साथ आकर के वहां पर आज अपना समय व्यतीत करते हैं, जो समय बचता है वहां पे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन के अनेक ऐसी चीजें आ रही हैं जो हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा सेंटर हम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ के नौजवानों का एक मंच मिलेगा, कलाकारों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी। ये सोच, सकारात्मक सोच हर एक व्यक्ति को पैदा करना होगा, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार तो बना सकती है, बनाने के लिए धन दे सकती है,
लेकिन उसको बनाए रखना। फिर ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई चीज बन गई तो उसको हम लोग सरकारी चीज मान करके फिर उसको भगवान भरोसे छोड़ दें। आया, किसी ने कुर्सी तोड़ी, किसी ने किसी कोने पे थूका, किसी ने कोई कुर्सी उखाड़ करके, पता लगा मौका मिला तो उठा करके लेके चलने लग गया, किसी को मौका मिला कोई और चीज तरीके से गंदा किया, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये पैसा सरकार दे रही है, लेकिन सरकार का पैसा ये किसी की बपौती नहीं होती है, जनता का ही पैसा होता है, याद रखना, ये जनता का पैसा है। और प्रदेश की 24 करोड़ जनता का ये पैसा, इस पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अधिकार होना ही चाहिए। और इसलिए सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, और इस संपत्ति को हर हाल में सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व बनता है। तब हम अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को, विकास की गोष्ठियों को, कभी हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई गोष्ठी की, कभी यहाँ पर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल से नाथ पंथ पर एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, 3 दिवसीय संगोष्ठी चल रही है, देश से भी तमाम विद्वान आए हैं और दुनिया के भी तमाम विद्वान उसके साथ जुड़े हैं। आप सोचिए ना, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में भी वे सभी चित्र मिल रहे हैं जो भारत के अंदर जिनको हम ढूंढते रहे हैं बहुत वर्षों से। कल मुझे बहुत सारे ऐसे चित्र वहां देखने को मिले जो जिनको हम लोगों को, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि आखिर कहां मिलेंगे, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में मिले। उस गोष्ठी के माध्यम से सारी चीजें आएंगी। और आज तो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है हम सबका मार्ग कि हम लोग गोरखपुर में भी, गोरखपुर के बच्चों को भी, गोरखपुर के भी बालक बालिकाओं को भी हम वह सब ज्ञान दे सकते हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी बड़े संस्थान में दिया जा सकता है। और उसके केंद्र बिंदु बनने चाहिए इस प्रकार के प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्रों को या उच्च शिक्षा के केंद्रों को। हम लोगों ने इसीलिए गोरखपुर के या प्रदेश के बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर भी शुरू किया है। क्यों गोरखपुर या प्रदेश का कोई बच्चा बाहर जाएगा कोचिंग के लिए? आखिर कोचिंग, उसको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, उसको किसी सेवा के साथ जुड़ना है, तो आखिर उस सेवा से जो अधिकारी अभी नए जुड़े हैं जिन्होंने उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है, अगर वह उसको गाइड करे तो वो ज्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, ज्यादा अच्छा बता सकता है। और एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस फील्ड में दिया है, लोग कैसे अच्छे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और यही भाव, विकास का यही भाव है जो आज प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सफलता प्रदान कर रहा है। भाइयों बहनों, सोच सकारात्मक होती है तो सब कुछ संभव है। इस देश की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचने में 70 साल लगे, लेकिन 4 वर्ष कायदे से मेहनत हो गई तो वही 10 लाख करोड़ की प्रदेश की जीडीपी को 21 लाख पहुंचने में मात्र 4 साल लगे। हमें दुगने से अधिक समय तक, दुगने से अधिक प्रदेश की जीडीपी को बचाने बढ़ाने में मात्र 4 साल लगे। यह मेहनत पहले भी हो सकती थी, एजेंडे में जब विकास हो, एजेंडे में जब जनता जनार्दन की खुशहाली हो, एजेंडे में जब गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के हितों के लिए कुछ कार्यक्रमों को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का जज्बा हो, ईमानदारी से हर तबके के हितों के लिए कुछ करने का एक भाव हो, और वह भाव व्यक्ति को एक साधना के रूप में लेना पड़ेगा, एक पूजा के रूप में लेना पड़ेगा। जब हम पवित्र भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। जब भाव ही कपटपूर्ण हो तो परिणाम भी कपटपूर्ण ही आएंगे। जब भाव साधना से पूर्ण हो, पवित्रता से परिपूर्ण हो, तो उस पवित्रता से परिपूर्ण भाव के परिणाम भी पवित्रता के साथ बहुत आशावर्धक और सकारात्मक होते हैं। और ये सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश के अंदर जो आ रहे हैं ये उसी की परिणति है। जो पिछले 4 वर्ष के अंदर हर एक व्यक्ति ने, हर एक मंत्री ने, हर एक जनप्रतिनिधि ने, हर एक प्रशासनिक अधिकारी ने, हर एक तबके के लोगों ने, किसान ने, नौजवान ने, कलाकार ने, हर एक तबके के लोगों ने
अपने अपने फील्ड में मेहनत करके दिखाया है, उसका परिणाम हमारे सामने आया है और पहचान उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश श्रीवास्तव जी को जिन्होंने गोरखवाणी को एक स्वर दिया है। याद रखना, गोरखवाणी का स्वर मैं इसलिए कह रहा हूं, हिंदी की पहली डीलिट की उपाधि गोरखवाणी में डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़थ्वाल को मिली थी, गोरखवाणी में ही मिली थी हिंदी की पहली डीलिट की उपाधि। और चर्चित दार्शनिक रजनीश ने अपने जितने भी प्रवचन दिए हैं, प्रवचन का पहली जो शक्ति उनकी होती थी वो गोरखवाणी की होती थी। कभी उनके उपदेशों को सुनिए, तो गोरखवाणी से शुरू करते हैं। गोरखवाणी की एक एक शक्ति में, एक एक साखी में पूरे ग्रंथ समाये हुए हैं, जीवन का पूरा सार उसके अंदर निहित है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का भाव उसके अंदर निहित है। और वह भाव जो गोरखपुर की पहचान है, क्योंकि गोरखपुर गोरखपीठ गोरखपुर ही नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय का तो देश का सबसे प्रमुख केंद्र है, और वह गोरखवाणी की यानी महायोगी गुरु गोरखनाथ की वह वाणी देश और दुनिया के अंदर गोरखपुर से पहुंची है, गोरखपुर से गई है। कल मेरे पास एक सज्जन आए थे जो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, उन्होंने कहा था गोरखवाणी का मैंने अंग्रेजी में उसका वो किया है, अनुवाद किया है और इतना जो है उसकी डिमांड हो रही है, लोग जानना चाहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब योग को वैश्विक मंच पर मान्यता दिलाई, 21 जून की थी जब विश्व योग दिवस के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो योग के बारे में लोगों को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। तो योग के बारे में क्रियात्मक योग है क्या, हठ योग है क्या, राजयोग है क्या, योग के इन भावों को जानने का जो लोगों की जिज्ञासा थी, जब उनको जाकर कहीं उसके सही और संतोषजनक आत्मा को संतुष्टि देने वाले कोई परिणाम कहीं से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ और नाथ योगियों की साधना से वो प्राप्त हुए हैं। यह केंद्र यहां के कलाकारों के लिए, गोरखपुर के रंगकर्मियों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए और गोरखपुर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक माध्यम बने। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यहां की व्यवस्था का संचालन कर रहा है, लेकिन यहां पर हर एक तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनके माध्यम से गतिविधियां निरंतर चलती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और कार्यक्रम इस रूप में जिसके पीछे अंततः लोक कल्याण का भाव, एक कलाकार जब मंच पे गाता है तो केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए नहीं गाता, उसके पीछे भी लोक कल्याण का भाव होता है। एक व्यापारी जब अपने व्यवसाय को करता है तो केवल अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए काम नहीं करता है, उसके पीछे लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण भी होता है। एक किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है तो उसकी मेहनत केवल खेती तक सीमित नहीं होती है, अपनी आमदनी को बढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे आमदनी के साथ साथ लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण उसके मन में पहले से होता है कि नहीं, मैं जब मेहनत करूंगा मेरे जीवन में खुशहाली आएगी, तो खुशहाली समाज और राष्ट्र की खुशहाली बनेगी। एक युवा जब मेहनत करता है तो केवल अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, समाज की सफलता का, राष्ट्र की सफलता का मार्ग भी अपने साथ प्रशस्त करता है। एक मजदूर जब मेहनत करता है, एक श्रमिक जब मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, तो उसकी वो मेहनत, उसका वो परिश्रम केवल उसकी आमदनी के लिए नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव को खड़ा करने के लिए होता है। और ये जो निर्माण की इकाई हर एक में जुड़ी हुई है, लोक कल्याण का भाव, राष्ट्र कल्याण का भाव हर एक स्तर पर जुड़ा हुआ है, इसके साथ हम सभी को जुड़ना होगा। यही तो भाव है जो हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस पवित्र भाव के साथ जोड़ता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विजन दिया है, उस विजन के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा था कि आपकी जो वर्षों से तमन्ना थी, मैं जब 1998 में सांसद बना था तो रंगाश्रम ने मुझसे यही बात कही थी कि हमारा प्रेक्षागृह का क्या होगा,
बरगद के पेड़ के नीचे में लोग अपना नाट्य श्रृंखला करते थे। हर शनिवार को उनकी नाटक श्रृंखला चलती थी वहां पे। पता नहीं इस समय भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे उनका वह कार्यक्रम निरंतर चलता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे करते थे। कभी मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास पर आधारित किसी एक विषय को लेकर के, कभी किसी अन्य विषय को लेकर के, कभी समसामयिक विषयों को लेकर के उनके द्वारा नाट्य श्रृंखला की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की गई। आज उनकी साधना फलीभूत हुई है। मैं रंगाश्रम परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ वे लोग अपने कुछ अच्छे नाटक तैयार करें, यहाँ पे मंचन करें, अच्छा होगा। आज तो हमने सांसद भी एक कलाकार आपको दे दिया। हाँ, कला का सम्मान होना चाहिए। और मिलकर के उस कार्यक्रम को, उस विधा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक साधना तो है ही, लेकिन इसके पीछे संस्कृति भी निहित है। ये लोग जो लोग कलाकार हैं, लोक कथा है, लोक परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, यह पहचान भी इसके अंदर निहित है। समाज में जागरूकता का बहुत बड़ा कार्य खड़ा कर सकते हैं। समाज जागरण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और आज ये प्रेक्षागृह जो गोरखपुर की दशकों से मांग थी, आज ये आपको प्राप्त हो रहा है। योगराज बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर मिल रहा है। बाबा गंभीरनाथ जी के बारे में कभी आप पढ़िए जरूर। आदर्श योगी, गोरखनाथ मंदिर में एक पुस्तक निकलती है आदर्श योगी के नाम पर। बाबा की सिद्धियों की चर्चा और देख करके आपको बिल्कुल आत्मिक संतुष्टि देने वाला भाव वहां से जागृत हो पड़ेगा। आपको भी विश्वास होगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसा योगी गोरखपुर में, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरखपुर में व्यतीत किया और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ही उनका अंतिम समय समाधि के रूप में गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने ली हो और गोरखपुर की पहचान बनी हो, देश के तमाम सिद्ध संतों ने जिनके बारे में बात कही हो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जिनके बारे में भाव रहा हो कि हिमालय की तलहटी में इतने बड़ा सिद्ध योगी दूसरा नहीं, जिसमें सृष्टि के लय प्रलय दोनों की क्षमता मौजूद है, वो केवल बाबा गंभीरनाथ थे। और योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी को समर्पित गोरखपुर वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में, नमन के रूप में ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र आज हम लोग यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति विभाग के साथ ही कार्यदायी संस्था, स्वाभाविक रूप से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे एक बार दो बार अगले कुछ दिनों तक कार्यक्रम भी यहाँ चलें। और कार्यक्रमों को चलने के साथ ही प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग विधाओं के कुछ कार्यक्रमों के लिए उस समय यहाँ पर हमें आगे बढ़ाने चाहिए, कुछ दिन रखने चाहिए, बाद में उसकी एक व्यवस्था बनाए। जैसे संगीत कला अकादमी किसी दिन कोई कार्यक्रम करे, किसी दिन रंगाश्रम को कोई मंच दीजिए, किसी दिन किसी को और को दीजिए, अलग 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 कलाकारों को, लोकल कलाकारों को एक बार इस मंच को दे करके उनके माध्यम से उस कला की अभिव्यक्ति और लोग आए उस कार्यक्रम में, लोग जुटे एक बार। और फिर व्यवस्था कैसे, सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाना है उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। आवश्यकता पड़ती तो पर्यटन और संस्कृति विभाग उसको जीडीए के साथ मिलकर के उसके लिए कोई कॉर्पस फंड बनाए जो उसकी खर्चे को भी आगे बढ़ाते रहे और उस कार्यक्रम को निरंतरता एक देती रहे, जिससे यहाँ पर हर प्रकार के कार्यक्रम, हर प्रकार की विधा के कार्यक्रम चलते रहे और ये जीवंतता इसमें बनी रहे। इस जीवंतता को बनाए रखने यहाँ पर कुछ अच्छी गोष्ठियां होनी चाहिए विकास से संबंधित। कभी मीडिया के लोग इसमें गोष्ठी करें, कभी समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर के कार्यक्रम होने चाहिए, कभी किसानों को लेकर, कभी श्रमिकों को लेकर, कभी जनप्रतिनिधियों को लेकर के भी होना चाहिए। जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक, हमारे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि मिलकर के क्यों नहीं हम विचार कर सकते हैं अपने गोरखपुर के बारे में, क्यों नहीं हम विचार कर सकते हैं गोरखपुर महानगर के बारे में,
क्यों नहीं हम सकारात्मक भाव के साथ एक मंच पर दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर के कार्य कर सकते हैं। ये भाव आना ही चाहिए और उस भाव का एक मंच देने का कार्य इस अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और इस सांस्कृतिक केंद्र को करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी को समर्पित ये प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण और पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से उन लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेगा। एक बार फिर से मैं कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम और पर्यटन विभाग को हृदय से इसके लिए साधुवाद देते हुए कि समय सीमा के अंदर उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आज गोरखपुर वासियों को पूर्वांचल वासियों को इसे समर्पित कर रहे हैं। मैं गोरखपुर महानगर जनपद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह प्राप्त होने पर हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं, होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहां के जो भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं, इसका बेहतर उपयोग हम लोग कर पाएंगे और इसलिए भी कर पाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने आगामी 75 सप्ताह का समय आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए देशवासियों से अपील की है। और मैं गोरखपुर के कलाकारों से और गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए सभी नागरिकों से मैं अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले अलग अलग उन महान क्रांतिकारियों से, क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित नाट्य श्रृंखला खड़ी होनी चाहिए। कहीं बंधु सिंह के नाम पर, कहीं पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर, शहीद पुष्पा उल्लाह खां के नाम पर, ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर, या उन सभी क्रांतिकारियों के नाम पर चोरी चोरा की घटना, डोरिया की घटना या अन्य जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं उन पर नाट्य श्रृंखला का भी आयोजन हो और उसको मंच इस प्रेक्षागृह के माध्यम से मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर, सर्वप्रथम आपकी संकल्प प्रेरणा की वजह से आज ये रंगमंच गोरखपुर को मिला है, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं और अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही जनप्रतिनिधियों, हमारे सांसद, माननीय सांसद गोरखपुर और अन्य सभी जनप्रतिनिधि गणों से जो हमें एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उन सभी के लिए हमको धन्यवाद देते हैं। सर, गोरखपुर में जो विकास की यात्रा चल रही है उसमें जो हम नए आयाम बना रहे हैं, अब हम उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जिसमें गोरखपुर का कंपटीशन, गोरखपुर की स्पर्धा गोरखपुर से ही होगी। आपको विदित है आपके निर्देश के क्रम में 18-19 के वित्तीय वर्ष में 250 सीट का एनेक्सी में एक ऑडिटोरियम, आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया गया था। 20-21 के वित्तीय वर्ष में 1100 सीट और बगल में ही 250 सीट का ये ऑडिटोरियम सर आज आपने लोकार्पित किया है। और 21-22 के वित्तीय वर्ष में सर 2000 सीट का ऑडिटोरियम जो MMTU में आपके निर्देश के क्रम में बन रहा है उसको भी लोकार्पित कर पाएंगे। ये और ये सब करने की ये प्रेरणा संबल आपसे मिला है और सभी के लिए आपको धन्यवाद और मैं नमन करता हूँ। और आप यहाँ पर उपस्थित सभी रंगकर्मियों को आश्वस्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश क्रम में ऑलरेडी एक समिति बना दी गई है और हम प्रयास करेंगे कि रंगकर्मियों को उनका जो रेट होगा, जो भी होगा, वो अच्छा हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ ये हमारा दायित्व होगा कि इस ऑडिटोरियम का, प्रेक्षागृह सांस्कृतिक केंद्र का अनुरक्षण भी उच्च कोटि का। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को धन्यवाद, नमन।